बच्चों, आप जो संध्या है वो मार्केट से चार बुक्स लाई है और उसे इन चारों बुक्स को बराबर जो है बांटना है अपने में और अपनी बहन में, परी में। ठीक है, उसकी बहन का नाम है परी और उसको इन चार नोटबुक्स को परी और अब खुद में बांटना है। तो ये कुल मिला के कितनी है, 1, 2, 3, 4 चार किताबें हैं और इन्हें हमें बांटना है कितने लोगों में, दो लोगों में। तो हम लिख देते हैं कि हमें किन किन में बांटना है चार किताबें। तो हमें बांटनी है हम लिखेंगे 4 books are to be shared between 2 people। कौन कौन? संध्या और उसकी बहन परी। ठीक है, तो हमारे पास है संध्या और हमारे पास है परी। अब बताइए कि हमारे पास तो चार किताबें हैं, तो हम इन चार किताबों को बराबर बराबर इनमें हम कैसे बांट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि हम एक दे दें संध्या को और एक दे दें परी को। ठीक है, और अब हमारे पास 2 बची हैं, उनमें से भी हम एक दे दें संध्या को और एक दे दें हम परी को। यदि संध्या को दे देते हैं और यदि परी को दे देते हैं, तो 1 हमने दे दी, 2 आ गई संध्या के पास और 2 आ गई परी के पास। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 आ गई संध्या के पास और 2 आ गई परी के पास। कुल मिला के 4 किताबें आ गई और हमारे पास कितनी थी, 4 थी और हमने दोनों को 2-2 देकर बराबर बराबर बांट दिया है। और हम और कैसे हम बांट सकते हैं, हमें पता है कि हमारे पास टोटल कितनी किताबें हैं, हमारे पास कुल 4 किताबें हैं। तो 2 books विथ संध्या एंड 2 books विथ परी। तो हमें पता है कि हमारे पास कुल कितनी किताबें हैं, हमारे पास कुल 4 किताबें हैं। तो हम सीधा ही 2 संध्या को दे सकते हैं और 2 हम परी को दे सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता कि हम दो ही क्यों दें। और हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें क्या पता है कि जब हम कि हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है, टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास, हमें पता है हमारे पास 4 बुक्स हैं टोटल, और उसमें से संध्या और परी को कितनी कितनी मिलनी चाहिए। तो उसमें से हमें जानना है कि अगर हमें उसमें से जानना है कि परी को कितनी बुक्स मिलेंगी। ठीक है, तो अगर हम इनको बांटना है और हमें फिर जानना है कि परी को कितनी मिलेगी, तो पहले हमें इन्हें 2 लोगों में बांटना पड़ेगा। तो हमें 4 बुक्स कितने लोगों में बांटनी है, 2 लोगों में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल बुक्स आर 4 बुक्स एंड 4 बुक्स आर टू बी शेयर्ड बिटवीन 2 पीपल। तो हम लिखेंगे फिर कि नंबर ऑफ बुक्स ईच ऑफ देम विल गेट, और अब हम ये जान रहे हैं कि एक को, ईच मतलब एक को, संध्या को और परी को दोनों को कितनी कितनी बुक्स मिलेंगी। तो हम लिखेंगे 4 को हम क्या कर लें, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं, बराबर बांट रहे हैं। तो हम किसी चीज़ को चीज़ों को बराबर बांटते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा डिवाइड का सिंबल है, डिवीजन का, और हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो क्या आएगा जब हम 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आता है, 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 2 × 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे 4 / 2 = 2 books। तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ बुक्स ईच वन ऑफ देम विल गेट आर 2 books, यानी कि 2 books आर विद संध्या एंड 2 books आर विद परी। मतलब संध्या को भी 2 books मिली और परी को भी 2 books मिली जब हमने 4 books को बराबर बराबर बांटा। तो अब आप बताइए कि परी को कितनी बुक्स मिली है, अब बताएं कि परी को कितनी बुक्स मिली है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स परी हैज गॉट इक्वल्स टू टू बुक्स, क्योंकि परी को भी उतनी ही मिली है जितनी की संध्या को मिली है, उन्होंने चार में से दो दो बराबर कर ली है, दो संध्या को और दो परी को। तो नंबर ऑफ बुक्स परी हैज गॉट इज टू बुक्स, और हमारे पास टोटल बुक्स कितनी थी, आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल बुक्स, टोटल बुक्स कितनी थी हमारे पास, फोर। तो आप बता सकते हैं कि आप परी को कितनी बुक्स मिली है उसको आप भिन्न में लिखकर बता सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ बुक्स परी हैज, अब जो उसकी बहन है परी उसको कितनी बुक्स मिली है, हमें उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, और जब हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम उसमें लिखते हैं कि पूरी चीज़ कितनी है, ये जो लाइन हम खींचते हैं इसके नीचे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो पूरी चीज़ है वो कितने पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि पूरी जो हमारा जो चीज़ है, पूरी चीज़, जैसे जब हमारे पास पूरी रोटी थी तो हम उसे, जब हम उसे आधा करते थे तो हम उसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहे थे। जब हमारे पास क्या थी, जब हमारे पास एक पूरी रोटी थी तो हम उसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहे थे, तो हम नीचे लिखते थे दो और ऊपर लिखते थे एक, क्योंकि हमने एक हिस्सा लिया था। तो हम इसको लिखते थे वन बाय टू, यानी कि हमने पूरी रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटा और उसमें से हमने एक हिस्सा ले लिया। अब जो हमारे पास बुक्स हैं ये तो अलग अलग बुक्स हैं, देखिए चार बुक्स हैं अलग अलग, वन टू थ्री फोर। तो ये जो बुक्स हैं वो पूछ रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ बुक्स परी हैज, तो परी को तो कितनी मिली है, दो मिली है चार में से, ये है परी की और ये है संध्या की। तो हम लिखेंगे कि टोटल, नीचे हमें लिखना है कि जो हमारे पास पूरी बुक्स थी, पूरी बुक्स कितनी है हमारे पास, चार। ठीक है, तो पूरी बुक्स हैं हमारे पास और हमने उन्हें कितने इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है, फोर इक्वल हमने इसे, ये हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हैं, ये टोटल हमारे पास चार बुक्स हैं और उसमें से परी को कितनी मिली हैं, परी को उसमें से ये वाली दो बुक्स मिली हैं, जब उन्होंने चार बुक्स थी और उन्होंने आपस में डिवाइड कर ली तो परी को जो है दो बुक्स मिल गई। और अब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, दो बटा चार का, आप याद कीजिए दो बटा चार का समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हम रोटी के उससे देखते हैं कि जब हमारे पास पूरी रोटी थी, एक पूरी, और हम उसको चार बराबर हिस्सों में बांट रहे थे और उसमें से हम दो हिस्से ले रहे थे, दो बटा चार यानी कि उसमें से दो हिस्से ले लिए, दो बराबर हिस्से ले लिए उन चार हिस्सों में से, तो ये कितनी है, ये आधी रोटी है। तो इसी तरह से ये भी कितना होगा, आधा, क्योंकि देखिए कि हमारे पास चार किताबें थी और हमने उसे दो बराबर हिस्सों में बांटा, कितने बराबर हिस्सों में बांटा, दो बराबर हिस्सों में। तो हम नीचे लिखेंगे कि हमने पूरी जो चार बुक्स थी हमने उसे दो बराबर हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा संध्या का और एक हिस्सा परी का, और परी को कितना हिस्सा मिला उसका, जब हमने दो बराबर हिस्सों में बांटा तो परी को उसका एक जो बराबर हिस्सा है वो हमने परी को दे दिया, ये पूरा एक होगा जब हमने उसको दो बराबर हिस्सों में बांटा। तो जो दो बटा चार है वो बराबर होगा एक बटा दो के, यानी कि परी को कितनी बुक्स मिली हैं, जितनी भी बुक्स खरीदी थी उसकी आधी बुक्स जो है वो परी को मिली हैं, यानी कि वो दो बटा चार बुक्स हैं, यानी कि टोटल चार बुक्स में से दो बुक्स जो कि पूरी बुक्स की, सारी बुक्स की आधी हैं।